अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करते होंगे। आप देख रहे हैं हम तीनों को, क्योंकि मैं हूं आपका भाई जेजे भाई जॉन, ये हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त भट्टी भाई, और ये हैं हाफिज भाई जान। तो आप देख जिस चैनल पर देख रहे हैं उस चैनल का नाम है पाकिस्तान जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो हम लोगों ने बनाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, इजहार के लिए, चाहत के लिए। मेरी दीवानगी, आपकी दीवानगी जब मिल जाती है ना तो प्यार बढ़ जाता है, तो खिल जाती है। हाँ जी, तो आज हम बड़ी मज़ेदार दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। वीडियो मतलब बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, जरूर करें जी। तो वीडियो मतलब बताएंगे हाफिज भाई। वीडियो है ये टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन एम्स इन इंडिया। जी जी, तो चलते हैं वीडियो की जानिब, देखते हैं वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग है और क्या कुछ है इस वीडियो में और इंडिया के कौन से एम्स हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स का समूह है। हमारे देश में हायर मेडिकल एजुकेशन के लिए एवं बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए ईयर 1956 में हमारे देश का सबसे पहला एम्स नई दिल्ली में बनकर तैयार हुआ था। वर्ष 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अफोर्डेबल एंड रिलायबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना था। और इस योजना की शुरुआत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत फेज वन में 6 नए एम्स बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन वर्ष 2011 तक नई दिल्ली एम्स हमारे देश का इकलौता फुल्ली ऑपरेशनल एम्स बना रहा, लेकिन वर्ष 2012 में हमारे देश में 6 और नए एम्स ऑपरेशनल हुए। इस प्रकार वर्ष 2012 में ऑपरेशनल एम्स की संख्या टोटल 7 हो गई, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या और हमारे देश में बढ़ते विद्यार्थियों की संख्या के सामने यह संख्या काफी नहीं था। फिर आगे चलकर वर्ष 2013 में इस योजना का फेज 2 और फेज 3 लॉन्च किया गया, जिसमें फेज 2 के अंतर्गत रायबरेली एम्स के निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन इसके फेज 3 के अंतर्गत कोई भी नए एम्स के बनने का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। फिर आगे चलकर जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का फेज 4 लॉन्च हुआ, फरवरी 2015 में फेज 5 को लॉन्च किया गया, फरवरी 2017 में फेज 6 को लॉन्च किया गया, फिर एक सप्ताह बाद फरवरी 2017 में ही फेज 7 को भी लॉन्च किया गया एवं फरवरी 2019 में इस योजना का फेज 8 लॉन्च हुआ एवं फेज 4 से फेज 8 तक हमारे देश में 15 नए एम्स के निर्माण कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया। उनके नाम आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं और इस वीडियो में 10 अपकमिंग एम्स को शामिल किया जाएगा, बाकी के एम्स को पार्ट 2 में शामिल करेंगे। रायबरेली एम्स जो कि फेज 2 में अनाउंस किया गया था वर्ष 2018 में फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं मंगलागिरी एम्स के बारे में, जिसको कि आंध्र प्रदेश स्टेट में बनाया जा रहा है और यह गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस एम्स को फेज 4 के अंतर्गत अनाउंस किया गया था एवं 7 अक्टूबर 2015 को इसको कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया। मंगलागिरी एम्स का कैंपस 183 एकर्स के लैंड एरिया में फैला हुआ है और यह एम्स नेशनल हाईवे नंबर 16 के बगल में बनाया गया है, विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में, और यह आंध्र प्रदेश स्टेट का सबसे पहला एम्स है। इस एम्स में टोटल 960 बेड्स होंगे। इसके साथ ही इस एम्स में स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स भी होगा। इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए इस एम्स में 100 मेडिकल कॉलेज सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज सीट्स भी होगा। मंगलागिरी एम्स वर्ष 2018 में पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है। वर्तमान में इसके कुछ बिल्डिंग्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और सितंबर 2020 तक यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में कुल 1,618 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं नागपुर एम्स के बारे में, जिसको कि महाराष्ट्र स्टेट में बनाया जा रहा है। यह एम्स नागपुर के मिहान में स्थित है, जो कि 150 यानी कि 150 एकर्स के लैंड एरिया में फैला हुआ है और यह महाराष्ट्र का पहला एम्स है। इस एम्स का निर्माण PMSSY योजना के फेज 4 के अंतर्गत किया जा रहा है एवं इसको 7 अक्टूबर 2015 को कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया था। इस एम्स का निर्माण नागपुर आउटर रिंग रोड नेशनल हाईवे नंबर 53 के पास किया जा रहा है। नागपुर
एम्स में इनिशियल स्टेज में 300 बेड्स की कैपेसिटी होगी, लेकिन फ्यूचर में इसको 950 बेड्स तक एक्सपैंड किया जाएगा। इसके साथ ही इस एम्स में स्पेशियलिटी, सुपर स्पेशियलिटी डिपार्टमेंट्स और स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स भी होगा। इंस्टीट्यूशन पर्पज के लिए इसमें 100 मेडिकल कॉलेज सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज सीट्स भी होगा। वर्ष 2018 में नागपुर एम्स पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके कुछ बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2020 में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में कुल 1577 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 3 पे बात करते हैं कल्याणी एम्स के बारे में, जिसको कि वेस्ट बंगाल स्टेट में बनाया जा रहा है और यह बसंतपुर सगुना कल्याणी में स्थित है, जो कि 179.82 एकर्स के लैंड एरिया में फैला हुआ है। इस एम्स को PMSSY के फेज 4 के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और यह वेस्ट बंगाल का पहला एम्स होगा। इस एम्स को 7 अक्टूबर 2015 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड किया गया था। इस एम्स में टोटल 940 बेड्स होंगे। स्पेशियलिटी, सुपर स्पेशियलिटी और ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए 50 मेडिकल कॉलेज या MBBS के सीट्स भी होंगे। यह एम्स पार्शियली 2019 में ऑपरेशनल हो चुका है एवं सितंबर 2020 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में कुल 1754 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस वीडियो में जो भी डेटा दी जा रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिशियल वेबसाइट से दी जा रही है। नंबर 4 पे बात करते हैं गोरखपुर एम्स के बारे में, जिसको कि उत्तर प्रदेश स्टेट में बनाया जा रहा है और यह गोरखपुर के कुनरा घाट में स्थित है। यह एम्स 103 एकर्स के लैंड एरिया में फैला हुआ है एवं इसको PMSSY के फेज 4 के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा एम्स होगा आफ्टर रायबरेली। इसको 20 जुलाई 2016 को कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड किया गया था। पूरी तरीके से बन जाने के बाद इसमें टोटल 750 बेड्स होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट्स एवं ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए इसमें 50 मेडिकल कॉलेज सीट्स होंगे और नर्सिंग सीट्स भी होंगे। वर्ष 2019 में गोरखपुर एम्स पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन वर्ष 2020 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में 1011 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 5 पे बात करते हैं बठिंडा एम्स के बारे में, जिसको कि पंजाब स्टेट में बनाया जा रहा है और यह बठिंडा के लाल सिंह नगर में स्थित है। यह एम्स 177 एकर्स के लैंड एरिया में फैला हुआ है और इसका निर्माण PMSSY के फेज 5 के अंतर्गत किया जा रहा है। इसको 27 जुलाई 2016 को अप्रूव किया गया था और यह पंजाब का पहला एम्स होगा। यह एम्स नेशनल हाईवे नंबर 54 के पास स्थित है। इस एम्स में टोटल 750 बेड्स होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी डिपार्टमेंट्स एंड ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स भी होगा। बठिंडा एम्स 2019 में पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है और 2020 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में 925 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 6 पे बात करते हैं गुवाहाटी एम्स के बारे में, जिसको कि असम स्टेट में बनाया जा रहा है और यह नॉर्थ गुवाहाटी के चंगसारी में स्थित है। गुवाहाटी एम्स 189.2 एकर्स के लैंड एरिया में फैला हुआ है एवं इसका निर्माण PMSSY के फेज 5 के अंतर्गत किया जा रहा है। गुवाहाटी एम्स को 24 मई 2017 को कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया था और यह असम एवं नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला एम्स होगा। यह नेशनल हाईवे नंबर 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर स्थित है। इसमें टोटल 750 बेड्स होंगे एवं स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट्स और ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स भी होगा। वर्तमान में गुवाहाटी एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2021 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में 1123 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 7 पे बात करते हैं बिलासपुर एम्स के बारे में, जिसको कि हिमाचल प्रदेश स्टेट में बनाया जा रहा है और यह बिलासपुर के पास चंगर पलासिया में स्थित है। बिलासपुर एम्स 205 एकर्स के लैंड एरिया में फैला हुआ है। इस एम्स को PMSSY के फेज 5 के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है एवं इसको 3 जनवरी 2018 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया था। यह हिमाचल प्रदेश का पहला एम्स होगा। यह नेशनल हाईवे नंबर 205 के पास स्थित है। बिलासपुर एम्स में 750 बेड्स होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट्स एंड ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स भी होगा। वर्तमान में यह एम्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2021 या 2022 तक यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में 1471 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 8 पे बात करते हैं मदुरई एम्स के बारे में, जिसको कि तमिलनाडु स्टेट में बनाया जा रहा है और यह मदुरई के
गोपुर में स्थित है। मदुरई एम्स 224.24 एकर्स के लैंड एरिया में फैला हुआ है। इसको PMSSY के फेज 5 के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और यह तमिलनाडु का पहला एम्स होगा। इसको 17 दिसंबर 2018 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया था। मदुरई एम्स को नेशनल हाईवे नंबर 44 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के पास बनाया जा रहा है। इसमें टोटल 750 बेड्स होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट एवं ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इंस्टीट्यूशन पर्पज के लिए 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स भी होगा। वर्तमान में यह अंडर कंस्ट्रक्शन है और वर्ष 2022 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में 1,264 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 9 पे बात करते हैं दरभंगा एम्स के बारे में, जिसको की बिहार राज्य में बनाया जाएगा और यह एम्स दरभंगा के लहरिया सराय में बनाया जाएगा और यह 200 एकर्स के लैंड एरिया में फैला होगा। इस एम्स को फेज 5 के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और यह बिहार का दूसरा एम्स होगा आफ्टर पटना। इसको 10 जनवरी 2020 को कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इसमें टोटल 750 बेड्स होंगे एवं स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट्स और ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इंस्टीट्यूशन पर्पज के लिए 100 मेडिकल कॉलेज सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज सीट्स भी होगा। वर्तमान में यह अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में लगभग 1,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 10 पे बात करते हैं सांबा एम्स के बारे में, जिसको कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बनाया जाएगा और यह सांबा डिस्ट्रिक्ट के विजयपुर में स्थित है। यह एम्स 258 एकर्स के लैंड एरिया में फैला होगा। इसको फेज 5 के अंतर्गत बनाया जा रहा है और यह जम्मू एंड कश्मीर का पहला एम्स होगा। जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा एम्स अवंतीपुरा में बनाया जाएगा, जिसकी चर्चा पार्ट 2 में करेंगे। सांबा एम्स को 10 जनवरी 2019 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया जा चुका है और इसको नेशनल हाईवे नंबर 44 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के पास बनाया जाएगा। इस एम्स में टोटल 750 बेड्स होंगे एवं स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट्स और ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इंस्टीट्यूशन पर्पज के लिए 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स भी होगा। वर्तमान में यह अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा एवं इसके निर्माण में 1,661 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये तो था हमारे देश के टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन एम्स के बारे में जानकारी। इन 10 एम्स के अलावा और 5 एम्स हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार। यार कमाल कर दिया, और वाकई ही हम बात कर रहे थे तो वो माइंड ना कीजिएगा, मैं हाफिज भाई को ये बोल रहा था वीडियो में, मैंने कहा यार कि ये मोदी जी ही है जिन्होंने इतना यार डेवलप कर रहे हैं इंडिया को और इतना यार 10 एम्स 2012 में शुरू किया इन्होंने जी, और सारे कोई 1,000 बेड का, कोई 900 बेड का, कोई 800 बेड का यार, और इतना इतना पैसा लगेगा ऊपर, ये हमारी सोच से बाला था यार। यार मैं तो हैरान था, पहला एम जो बना था 1956 में बना, उसके बाद कोई नहीं बना, तो 2012 में कट्ठे 6 बन गए, वो भी मोदी सरकार के दौर में। नहीं सरकार, मोदी सरकार ने आगे कईयों का, ये मेरा 13 में आए हैं। हाँ तो फिर बात सुनो, उन्होंने पहले अप्रूवल हो चुकी थी ना, उससे पहले बने हैं इन्होंने, इनको तो वैसे प्रोजेक्ट मिले हैं, तो अप्रूवल जैसा मर्जी कोई पहली गवर्नमेंट कर जाए ना कर जाए, मगर जो गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट के अंदर ये काम होता है ना, जो गवर्नमेंट मौजूदा होती है जो ये काम करवाती है, डंका उसी का बजता है। और इसमें कोई शक नहीं कि मोदी ने कमाल कर दिया यार, ये बड़ा ही फायदा है इंडिया को, इंडिया के आवाम को, और जम्मू कश्मीर में जो बन रहा है, कहते फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा बनने लगा है ये, पंजाब में भी पहला बन रहा है, कश्मीर में भी पहला बन रहा है। यार कमाल की बात कर दी आपने जी भाई, ये यार इससे इनकी मेडिकल फील्ड को और ज़्यादा फायदा, मेडिकल फील्ड को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इनको, पहले भी बड़ी तो वैसे अदरवाइज दुनिया में सबसे सस्ता इलाज इंडिया का ही है, और अदरवाइज ये है कि इंडिया में डॉक्टर बहुत ज़्यादा है, चलो जितने एम्स बनेंगे वो डॉक्टर होंगे ना, कवर होंगे सारे, वो एक एक हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन जाती है, चलो अब अलहदा अलहदा होंगे शोबे शोबा जात होंगे, उनके सारे अलहदा अलहदा अपना अपना काम सर अंजाम देते रहेंगे, ठीक है, और इस तरह फिर वो जो इलाज मजीद सस्ता हो जाएगा, पेशेंट वगैरह को भी कोई टेंशन नहीं बनेगी, हर वक्त डॉक्टर होगा अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि जितने एम्स बनेंगे उन्होंने कुछ सोच बना, इतने इससे डबल डॉक्टर होंगे तो इतने एम्स बन रहे हैं ना, जिस वजह ये बन रहे हैं। भाटी भाई जी, तो ये वाकई इंटरेस्टिंग वीडियो थी, जैसे कि हमने इसके स्टार्ट में देखा था कि कितने एम्स बन रहे हैं,
तो इससे जितना भी बेनिफिट होगा वो सारे जनता को जाएगा, जितना भी बेनिफिट्स है वो जनता को जाएगा, जितने भी इसके लिए गवर्नमेंट ने इससे क्या लेना देना है, गवर्नमेंट जनता की खुशहाली के लिए ये जितने भी प्रोजेक्ट है वो बनाए। पति भाई मैं एक बार बोलूँ जी जी, हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा था कि यार हम टैक्स देते हैं, हमारे ही टैक्स हमारे ऊपर लगाती है गवर्नमेंट, वो खाती नहीं है, अच्छा करती, कहीं पे लेके नहीं जाती, करप्शन नहीं होती, करप्शन नहीं होती, वो जितना हम टैक्स देते हैं उससे उतना ही वो काम करके दिखा देते हैं। तो कितना कितना यार टैक्स कटा होता है, तो कितना काम हम कहते हैं यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अब ये देखें वो टैक्स कितना देती है वहाँ यार। अच्छा जी जी भाई, वो आपकी सारी बातें ठीक हैं, आप शो कर सकते हैं आप कितना टैक्स देते हैं। सर मैं नहीं, वो अपने देते हैं हम सब, हम तो देखे हर चीज में टैक्स देते हम हैं। सर एक साबुन लेके आए ना उस पे 5-7 रुपए टैक्स होता है, वो हम दे के आते हैं। हम टूथपेस्ट लेने जाएंगे वहाँ पे भी टैक्स, हम मेडिकल मेडिसिन लेने जाएंगे, हम अगर चाय बनाते हैं ना एक चाय का कप पे हम 5 दफा टैक्स देते हैं, चीनी पे टैक्स, दूध पे टैक्स, ठीक है, पत्ती पे टैक्स, और कितना टैक्स लेना है, चीजें हो गई, तो कितना टैक्स लेना है, गैस पे टैक्स, गैस जो भाई गैस पे टैक्स नहीं लगता, जनरल सेल टैक्स, एक चीज रह गई अब, भाई लाइट के बगैर तो चाय बनेगी नहीं, लाइट भी चलाते हैं अंधेरे में, लाइट जलानी हमने अंधेरे में, चाय बनानी भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हम हर चीज पे टैक्स देते हैं, कुछ भी लें कुछ भी खरीदे टैक्स, मगर हमारा टैक्स हम पे लगता नहीं है, काम लगता है ना, काम लगता है, लगता ही नहीं है, फिर ना काम लगता है, लगता तो है ना, लेकिन काम लगता है, अगर पूरा पूरा टैक्स लगे ना तो हम, हमारी गुर्बत भी खत्म हो एक और हम भी तरक्की की राह पे इतनी तेजी से चलते हैं कि हम दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला कर सकते एक हैं। और भी मसला है हमारे मुल्क में टैक्स रिफॉर्म भी होने चाहिए, जबकि ये मीडिया पे तो हुकूमत के नुमाइंदे यही बातें करते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 1% आवाम टैक्स देती है, 1%, बाकी टैक्स सब देते हैं मगर कई टैक्स चोर भी हैं, टैक्स चोर तो लाखों में है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा टैक्स चोर है, तो जो ये अच्छा काम नहीं करते कि अपने मुल्क के साथ सनसेर होना चाहिए, अपने मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट के साथ उनके साथ तावन करना चाहिए, ताकि जितना टैक्स आपका बनता है वो पूरा पूरा उनको टैक्स दें, ठीक है, जिससे हुकूमत को भी चाहिए कि टैक्स का अच्छा जो ले उसको सही जगह पर इस्तेमाल करें। मगर अब हाफिज भाई अब कुछ करप्शन ही बहुत है भाई, हर इदारे में करप्शन है, हर इदारे में करप्शन, हाँ ऐसा ही है, हर इदारे में करप्शन तो फिर है, तो वैसे जिसका जहाँ कहते हैं ना जिंदा जिथे दाल लगता उथे लौट रहा, करप्शन आपके भी होती होगी, ये नहीं कि नहीं होती होगी, होती है करप्शन, इतनी मूवीज हैं, एक वो उनकी गब्बर इज बैक, हाँ देखो वो देख लिया, गब्बर इज बैक में अक्षय कुमार उसने सब कुछ दिखा दिया कहाँ कहाँ पे करप्शन होती है, और उसे पकड़ के फिर मारा, जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया में करप्शन होती है, पूरी दुनिया में करप्शन होती है, किसी ना किसी तरीके से ये होनी नहीं चाहिए यार, अपने मुल्क के साथ सनसेर होना चाहिए, अपने मुल्क के साथ वफादारी अच्छे लीडर होना चाहिए, हाँ अच्छे लीडर छोड़ के अवाम को भी उनका साथ देना चाहिए यार, कि हम खुद अच्छे होंगे। इस पे देखिए एक सिगरेट की जो डिबिया है ना उस पे लिखा होता है कि इससे आपका मुंह का कैंसर होगा या ये होगा या ये मसाइल होंगे, लेकिन लोग पीते हैं। इसी तरह ही ये जितनी भी चीज़ें हैं से नो टू करप्शन लिखा होता है, आप जितना भी बिल आपको आए उसके ऊपर लिखा होता है, लेकिन फिर भी करप्शन चल रही है, सिगरेट बिक रही है। फिर भी आप देखें वो यार इतने बड़े प्रोजेक्ट, ये कोई छोटे प्रोजेक्ट नहीं है, ये वाकई बड़े प्रोजेक्ट है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि वाकई कमाल कर दिया इन्होंने हिंदुस्तान वालों ने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, कि जो इतने बड़े प्रोजेक्ट लगाए, इसके दो फायदे होंगे, एक तो गुरबत में कमी आएगी, ठीक है, कई बंदों को रोजगार मिलेगा ना, सबसे अच्छी बात जेजे भाई वो ये है कि जो लोग स्टूडेंट्स फॉरेनर पढ़ने जाते थे दूसरे देशों में पढ़ने जाते थे जिनको यहाँ सीट्स नहीं मिलती थी, अब वो लोग के लिए भी मौके पैदा होंगे, मेडिकल जो सहूलतें हैं वो यहाँ से अपनी हासिल कर सकेंगे, स्टडी जो अपनी कंप्लीट कर सकेंगे अपने देश में। आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।